इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट के अंदर से जो हमारा एड्रेस रहता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इसको चेंज करने से पहले दो तीन इम्पोर्टेंट बातें सुन लीजिए आप। देखिए, जब भी कोई आप एड्रेस चेंज करते हैं तो वहाँ से आप फ्लिपकार्ट के अंदर से डायरेक्टली चेंज नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले न्यू एड्रेस डालना होगा। न्यू एड्रेस जब आप डालेंगे तभी आप पिछले वाले एड्रेस को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और अगर आपको डालना भी नहीं आता तो डालना भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट के होम पेज पर आना है और यहाँ पर तीन लाइन पर जाना है। तीन लाइन पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको माय अकाउंट ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, तो माय अकाउंट पर चले जाइए। और माय अकाउंट पर जाने के बाद हमारा जो है यहाँ पर पहले से ही एक एड्रेस फिल है, उसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट एड्रेस मोर वन पर जाना है और यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पर ये रिमूव होने का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, बट पहले नहीं आता, ये होम पर हम लपचप लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें पिन डालना है, हाउस नंबर डालना है, एरिया डालना है, सिटी डालनी है, स्टेट डालनी है और आपका लैंडमार्क जो होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा पहले, तो पिन कोड आपका यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं यूज़ माय करंट लोकेशन पर जाकर। ठीक है, एप्लीकेशन चलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाउस नंबर और बिल्डिंग नेम डालना है जो आपके आस पास में हो, जहाँ पर आप रहते हो। हाउस नंबर डाल सकते हैं या फिर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में बिल्डिंग नंबर डाल सकते हैं। और एरिया कॉलोनी जो है आपको उसमें ही मिल जाएगी, सिटी भी आपकी एकदम लग जाएगी, स्टेट भी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सब चीज़ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आप जब आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लैंडमार्क, यहाँ पर आपके आसपास की कौन सी जगह है जो फेमस जगह है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, बस आपको इतना डालना है। नेम भी ऑटोमेटिक नेम डाल सकते हैं हाँ, और यहाँ पर आपको नंबर डालना पड़ेगा अपना नंबर। ठीक है, एक अल्टरनेट नंबर डालें या ना डालें वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पर आपको होम एड्रेस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, होम एड्रेस पर क्लिक करेंगे तभी चेंज होगा, जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद आपका जो नया एड्रेस है वो लग जाएगा। तो ये प्रोसेस है, बाकी मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी वे में बता दिया है। और अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।